ओके ठीक है, तो ये किसका फिगर है? ह्यूमन आई का। ठीक है, ह्यूमन आई की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या होता है? ये लाइट को हमारी आंखों के अंदर एंट्री देती है। लाइट को हमारी आंखों के अंदर क्या देती है? एंट्री एंट्री देती देती है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ये ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है जो हमारी आईज का फ्रंट पार्ट क्या करती है? कवर करता है, और हमारी आंखों को क्या करता है? लाइट को हमारी आंखों में एंटर करने देता है। फिर कौन होता है? आयरिस होता है। ठीक है ना, आयरिस एक कलर्ड पिगमेंट रहता है जो हमारी आंखों को क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है। आयरिस ग्रीन है तो आंखें ग्रीन होगी, ब्लू है तो आंखें ब्लू होगी, ग्रे है तो आंखें ग्रे होगी, ब्लैक है तो आंखें ब्लैक होगी। ब्लैक। आयरिस के बीच में जो ये गैप होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है ना, और प्यूपिल का काम होता है इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन टू द आई। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन टू द आई मतलब होता है आयरिस जो रहता है ना वो प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। आयरिस क्या करता है? प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। जब अंधेरा होता है तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है ताकि हर डायरेक्शन से ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों में एंटर करे, और जब क्या होती है रोशनी होती है एक्सेस ऑफ लाइट होती है तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? छोटा छोटा हो जी जाता है। सो दैट क्या हो? अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई क्या रहे? कम रहे। यही रीजन होता है कि जब लाइट चली जाती है तो आपको कुछ फ्यू सेकंड्स पहले कुछ भी सही से नहीं दिखता, क्योंकि हमारा जो प्यूपिल रहता है वो ज्यादा लाइट के हिसाब से एडजस्टेड रहता है। ठीक है, लेकिन जब लाइट जाती है तो आयरिस क्या करता है? प्यूपिल का साइज बढ़ा देता है, और जब ये प्यूपिल का साइज क्या करता है? बढ़ा बढ़ा देता देता है है। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट का आती है हमारी आंखों में आती है, फिर हमको थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। सिमिलरली जब बहुत देर आप अंधेरे में बैठते हो उसके बाद आप लाइट में नहीं आते हो तो आपसे बहुत ज्यादा लाइट बर्दाश्त नहीं होती, होती है। क्योंकि प्यूपिल डायलेटेड रहता है, प्यूपिल का साइज क्या रहता है? बड़ा रहता है। ठीक है ना, अब ऐसे में क्या होगा? जो आयरिस रहेगा कुछ सेकंड्स में इसका साइज क्या कर देगा? छोटा छोटा कर कर देगा, देगा। तो हमको सारी चीजें क्या दिखेगी? क्लियरली दिखेगी। सनलाइट जो रहेगा वो ज्यादा लाइट में रहता हाँ, जब ज्यादा देर सनलाइट में रहेंगे तो उसके बाद भी प्यूपिल को अपना साइज क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सनलाइट में रहेंगे तो प्यूपिल का साइज क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है ना, जब हम सनलाइट से हटेंगे तो हम, ठीक है, फिर आयरिस के पीछे कौन होता है? लेंस होता है। हमारी आंखों में जो लेंस होता है ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन लेंस रहता है जो फैट्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बनता है। ये एक कन्वेक्स लेंस होता है। ये क्या होता है? कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस लेंस होता होता है, है। क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस होता है इसलिए ये रेटिना पे एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। आई बात समझ में? ठीक है ना, अब आई लेंस को होल्ड कौन करता है? तो हमने कहा आई लेंस को होल्ड करती है सीलियरी लिगामेंट या फिर सीलियरी मसल्स। ठीक है, तो ये आगे वाली ये जो होता है ना, ये सीलियरी लिगामेंट होता है, इसके पीछे क्या होता है? सीलियरी मसल्स मसल्स होती है। सीलियरी मसल्स के दो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला, सीलियरी मसल होल्ड्स द आई लेंस, सीलियरी मसल होल्ड्स द आई लेंस, आइलैंड्स और दूसरा फंक्शन होता है इट कंट्रोल्स द अपर्चर ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। इट कंट्रोल्स द अपर्चर ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल। तो जो सीलियरी मसल्स होती है, जो सीलियरी मसल्स होती है, मसल उनका होती पहला फंक्शन क्या होता है? होल्डिंग द आयलेंस। है। दूसरा होता है एडजस्टिंग द साइज ऑफ द अपर्चर। अब अचर अपर्चर क्या होता है? ये लेंस दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां यहाँ तक तक की की दूरी को दूरी। हम लोग कहते हैं अपर्चर। अपर्चर एडजस्ट करने से होता क्या है? जो आयलेंस रहता है उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। अपर्चर एडजस्ट करने से क्या होता है? आयलेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, यानी कि अगर मुझे दूर की ऑब्जेक्ट को देखना है तो मुझे आई लेंस का फोकल लेंथ क्या रहेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मुझे पास की ऑब्जेक्ट को देखना है तो मुझे आई लेंस का फोकल लेंथ क्या करना पड़ेगा? कम करना कमाना पड़ेगा। पड़ेगा। आई बात समझ में? तो सीलियरी मसल्स क्या करती है? आई लेंस का अपर्चर चेंज करती है किस हिसाब से? जैसे अगर मुझे दूर का देखना होगा तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, पास का देखना होगा तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इस फिनोमिना को या इस पावर को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन तो पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी। आइलैंड्स टू सी नियर बाय एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। टू सी नियर नियर बाय बाय एज वेल एज फार फार ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स
क्लियरली बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ, बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ ओके विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स. मसल्स. इज दैट क्लियर? आईलेंस और कॉर्निया के बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर. क्या कहते हैं एक्वस ह्यूमर? एक्वस ह्यूमर बेसिकली एनर्जी और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसको? आईलेंस को. ठीक है ना? इसके पीछे जो फ्लूइड होता है वो होता है विट्रस ह्यूमर. क्या होता है विट्रस ह्यूमर? विट्रस ह्यूमर बेसिकली जेल लाइक फ्लूइड होता है. इसका काम होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना. इसका काम क्या होता है? लाइट को रिफ्रैक्ट करना. अब आईलेंस जो है वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो इमेज है उस इमेज को वो कहाँ बनाएगा? रेटिना पे. ये जो रेड कलर की दिख रही है क्या है? रेटिना है. रेटिना वो स्क्रीन होती है. रेटिना वो स्क्रीन होती है जिसपे क्या होती है? इमेज फॉर्म होती है. सो व्हाट इज रेटिना? रेटिना इज द स्क्रीन एट विच अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म. फॉर्म. ठीक है ना? अब रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स. क्या कहते हैं? लाइट सेंसिटिव सेल्स. एक होती है रॉड्स और एक होती है कॉन्स. सी से कॉन्स, सी से कलर. सी से कॉन्स, सी से कलर. तो जो कॉन्स होते हैं वो कलर वाली सेंसिटिविटी देते हैं हमारी आईज को. ठीक है ना? और जो रॉड्स होती है, और जो कौन होती है? रॉड्स होती है. रॉड्स क्या करती है? रॉड्स बेसिकली आई की ब्राइटनेस, या हमको कौन सी चीज कितनी ब्राइट दिख रही है या कितनी डिम दिख रही है, ये कौन डिटरमाइन करता है? हमारी आंखों के रॉड सेल्स, यानी कि रेटिना में प्रेजेंट रॉड सेल्स. अब जो इमेज रेटिना पे बनी, जो इमेज कहाँ बनी? रेटिना पे बनी. उस इमेज को ऑप्टिक नर्व, उस इमेज को ऑप्टिक नर्व कहाँ ले जाती है? ब्रेन तक ले जाती है. उस इमेज को क्या करती है ऑप्टिक नर्व? ब्रेन तक ले जाती है. ब्रेन में ये री इन्वर्टेड इमेज फिर से इन्वर्ट होके क्या बनाती है? एक इरेक्ट इमेज बनाती है. और हमें पता चलता है ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है. ठीक है? जिस पॉइंट पे, बहुत ध्यान से सुनना, जिस पॉइंट पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व इंटरसेक्ट करती, जिस पॉइंट पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व इंटरसेप्ट इंटरसेक्ट करती करती है उसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट. क्या कहते हैं? ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट. स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट अपने आप में इनसेंसिटिव टू लाइट होता है. यानी कि अगर आप कितनी भी लाइट इधर पे डालोगे, कितनी भी इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बनाओगे, तो जहां पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व इंटरसेक्ट करी है वो बिल्कुल भी क्या रहेगा? इनसेंसिटिव रीजन रहेगा. यानी कि वो बिल्कुल भी लाइट क्या नहीं कर सकता, सेंस नहीं कर सकता. इज दैट क्लियर? वर्किंग ऑफ आई देखो क्या होता है. जब भी मैं किसी चीज को देखती हूँ, ठीक है ना, सपोज मैं धुनी को देख रही हूँ, तो धुनी के ऊपर ये वाली लाइट गिर रही होगी और ये लाइट धुनी से रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में आ रही होगी. मेरी आंखों में कैसे आ रही होगी? कॉर्निया के थ्रू आ रही होगी. कॉर्निया के बाद ये लाइट कहाँ जाएगी? एक्वस ह्यूमर से पास होते हुए, प्यूपिल से पास होते हुए कहाँ जाएगी? आई लेंस पे आएगी. आई लेंस के बाद ये विट्रस ह्यूमर से पास होते हुए रेटिना पर आकर कन्वर्ज हो जाएगी, और रेटिना पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक इमेज क्रिएट करेगी. जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट होगी उसको ऑप्टिक नर्व उठाकर काय में कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी, और कहाँ तक ले जाएगी? ब्रेन तक ले जाएगी, जहां पर ब्रेन इसको वापस विजुअल सिग्नल के फॉर्म में क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा. लाइट एंटर्स थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. ठीक है? द आईबॉल का अप्रोक्सीमेट डायमीटर है. मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया. द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली प्रोवाइड्स फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना. ओके. आयरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल. द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. द आई लेंस फॉर्म्स एन इनवर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व. द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर विदाउट इनवर्जन. चलो, नियर पॉइंट क्या होता है? आंखों में के पास से पास हम कितनी पास ऑब्जेक्ट रख सकते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट हमको क्या दिखे? अच्छे से डिस्टिंक्टली विजिबल दिखे. उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फिर नियर पॉइंट.
ठीक है, तो एक नॉर्मल आई के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या होता है, एक नॉर्मल आई ज्यादा से ज्यादा दूर कितना देख सकती है, तो वो क्या होता है, इंफिनिटी होता है। इस हिसाब से जो रेंज होती है एक नॉर्मल आई की, रेंज ऑफ विजन, वो पास से पास कितनी होती है 25, और दूर से दूर कितनी होती है ठीक इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर हमारी रेंज ऑफ विजन होती है। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? देखो, हम लोग को क्या पढ़ने है? अभी डिफेक्ट ऑफ आई पढ़ने, क्या पढ़ने? डिफेक्ट ऑफ आई। जो पहला डिफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया। क्या कहते हैं? माओपिया मायोपिया, ठीक है ना। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस। मायोपिया का मतलब क्या होता है? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हुआ कि पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक नॉर्मल आय कैसे बिहेव करती है। ठीक है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि जो एक नॉर्मल आय होती है कुछ इस तरीके से, ये क्या है, इसका लेंस है, ये हमने क्या बना दी, रेटिना। ठीक है, और आगे ऐसा एक कॉर्निया बना दिया। जब हम लोग को डिफेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन देखना हो ना आय का, तो हम लोग ठीक है, अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। क्या है कि ये मेरी आय है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। तो जब हम लोग बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो जो लाइट रेज आती है ना, वो कैसी आती है, पैरेलल आती है। ठीक है, अब लाइट रेज जो पैरेलल आएगी वो आई लेंस पे आके कन्वर्ज होगी, और कन्वर्ज होकर क्या करेगी, रेटिना पे एक इमेज फॉर्म कर देगी। ये किसका केस होता है, एक नॉर्मल आय का। ये किसका एक केस होता है, नॉर्मल आय का। लेकिन जब हमारी आंखों में डिफेक्ट आ जाता है तो हमारी आंखें हो जाती है मायोपिक। क्या हो जाती है? मायोपिक मायोपिक। मायोपिक आय का मतलब ये होता है कि हमें दूर से आने वाली जो ऑब्जेक्ट है वो सही से दिखेगी नहीं। जो हमको दूर से ऑब्जेक्ट है ना, वहां से जो लाइट रेज आ रही है वो सही से नहीं दिखेगी। तो इसका कारण क्या होता है कि जिस इमेज को रेटिना पे बनना होता है, जिस इमेज को कहाँ बनना होता है, रेटिना पे, वो रेटिना के पहले बन जाती है। वो कहाँ बन जाती है, रेटिना के पहले। ये देखो, इन्फिनिटी से एक ऑब्जेक्ट था, पैरेलल। रेस कैसी आई, पैरेलल। अब ये जब आके कन्वर्ज होगी तो ये कन्वर्ज होके रेटिना से पहले ही मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, रेटिना से पहले। तो इस इमेज को बनना कहाँ था, यहाँ। ये बन कहाँ गई, यहाँ। यानी कि आई लेंस का कन्वर्जन पावर रिक्वायर्ड से ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ये जल्दी पहुंच जा रही है, इसको लेट पहुंचाना है। अगर इसको लेट पहुंचाना है तो इसका रास्ता थोड़ा लंबा कर देंगे ताकि ये रेटिना तक लेट पहुंचे। ठीक है, तो जब हम लोग इस डिफेक्ट को करेक्ट करेंगे, इस डिफेक्ट को क्या करेंगे, करेक्ट। तो हम लोग आई लेंस के आगे क्या लगा देंगे, एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कॉनकेव। लेंस कॉनकेव लेंस का फायदा क्या होगा कि ये लाइट रेस को पहले थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। ये लाइट रेस को क्या करेगा, पहले थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। सो दैट क्या होगा, जो लाइट रेस रेटिना पे क्या आ रही है, जल्दी आ जा रही है। जो लाइट रेस रेटिना पे क्या आ जा रही है, जल्दी आ जा रही है, वो थोड़ा लेट हो जाएगी। रास्ता लंबा कर दिया ना, पहले डाइवर्ज होगी फिर कन्वर्ज होगी, तो वो इवेंचुअली रेटिना पर आके मिलेगी। देखो, ये इन्फिनिटी से कौन आ रही है, हमारी लाइट रेज आ रही है। तो ये इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आ रही है, ये पहले कहाँ जा रही है, कॉनकेव लेंस पे। किस पे कहाँ जा रही है, कॉनकेव कॉनकेव लेंस लेंस। पे। कॉनकेव लेंस इन रेज को क्या कर देगा, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। कॉनकेव लेंस इन रेज को क्या कर देगा, थोड़ा सा डाइवर्ज डाइवर्स कर देगा। और नॉर्मल लेंस फिर इसको क्या कर देगा, रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा। तो जो इमेज रेटिना के पहले बन रही थी वो अब कहाँ पर बनेगी, रेटिना पर ही बनेगी। ओके, तो हम लोग बोलते हैं मायोपिक आय, जैसे तुम लोग को जो चश्मे लगे हुए हैं, दूर के चश्मे, कि दूर का दिखता है पास का सही से नहीं दिखता, तो तुम्हें क्या है, मायोपिया है।
तुम्हें मायोपिया है, तुम कौन सा लेंस यूज करते हो, कॉनकेव लेंस यूज करते हो, और क्योंकि तुम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हो इसीलिए तुम्हारे लेंस का जो पावर होता है या आंखों का जो नंबर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। हम लोग जब हमारे आंख का नंबर बोलते तो बोलते हैं ना -1.5 है, -0.25 है, -0.5 है, -1 है। माइनस क्यों है, क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉनकेव है। अगर लेंस कन्वेक्स होता तो पावर क्या होता, प्लस में होता। मुद्दा तुमको यहाँ से एग्जाम में एक तो ये डायग्राम बनाने को आता है और एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, क्योंकि हमको मायोपिया हुआ है तो हमारा जो फार पॉइंट है वो क्या होना चाहिए था, इंफिनिटी। अब वो इंफिनिटी नहीं रहा तो जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होता है वो मुझे नहीं दिखता, तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इंफिनिटी। मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इंफिनिटी। मुझे जनरली इमेज डिस्टेंस क्वेश्चन में देकर रखते हैं, मुझे जनरली इमेज डिस्टेंस कहाँ देके रखते, क्वेश्चन में ठीक देकर रखते, उसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी रहती है, याद रखना माइनस लेनी है हम लोग को, ठीक है ना। फिर आप लेंस फॉर्मूला लगाओगे, फिर आप क्या करोगे, लेंस फॉर्मूला लगाओगे 1/f = 1/v -1/u, तो 1/f would be equal to 1/ में माइनस जो क्वेश्चन में वैल्यू देके रखी, -1/ में इंफिनिटी, ठीक है। तो 1/ का इंफिनिटी का जो वैल्यू होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 0, 1/∞ इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो तुम्हारा 1/f किसके इक्वल हो जाता है, -1/q के। तो जो तुम्हारी फोकल लेंथ आती है, जो तुम्हारी फोकल लेंथ आती है वो किसके इक्वल आती है, -q के, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो जवाब है क्या, हाँ। तो तुम्हें मायोपिया पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कि बोलेंगे अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ मायोपिक आई कैन सी एज फार एज 3 मीटर्स, कैन सी एज फार एज थ्री मीटर मीटर्स व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस दैट वी शुड यूज। तो हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट तो कहाँ है, इंफिनिटी पे, लेकिन उसकी आंखें कहाँ तक देख पा रही है, 3 मीटर तक, तो हमको इमेज कहाँ बनवानी है, 3 मीटर पे मीटर पे बनानी है। तो यू हो जाएगा आपका इंफिनिटी, आपका वी क्या हो जाएगा, -3, तो तुम्हारा एफ भी कितना हो जाएगा, -3, और जो तुम्हारा पावर आएगा, वो आ जाएगा कितना, -1/ में जो भी क्वेश्चन की वैल्यू देकर रखी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, डायोप्टर। इज दैट क्लियर, कोई परेशानी, एक बार डायग्राम शांति से देख लो इसका।